Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. अब जब गर्मियां शुरू होने लगी है तो किसको नहीं चाहिए एक ठंडा ठंडा ट्रीट। इन खुद के बने फ्रोजन ट्रीट्स जैसे होममेड पॉप्सिकल्स ना के सिर्फ गर्मी से राहत देगा पर आपको फ्रेश और हेल्दी भी रखेगा। और एडेड बोनस है, ये किड्स फ्रेंडली है जो बच्चों को काफी पसंद आता है। इसे वो काफी सब्जियां बिना पता चले खा लेंगे और इसे बड़े भी उतना ही पसंद करते हैं। इन 8 यमी और पौष्टिक पॉप्सिकल्स के लिए मैं वही सेम 5 स्मूदीज यूज कर रही हूँ जो आपने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में देख रखा होगा। फिर भी आज के वीडियो के खाते जल्दी से एक रिकैप दिखाऊंगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए बाकी के टिप्स के साथ जिसे स्मूदीज बनाना आसान होगा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एक होलसम ऑरेंज मंडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप संतरे का जूस, आधा कप ग्रीक दही, एक फ्रोजन संतरा, आधा फ्रोजन पीच, एक श्रेडेड गाजर, आधा कप फ्रोजन पपाया। अच्छे से ब्लेंड करें। और रेडियंट रेड ट्यूजडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप अनार जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा फ्रोजन बनाना, आधा कप फ्रोजन रास्पबेरीज, आधा कप फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, एक कप वाटरमेलन। सब ब्लेंड कर दें। वेंसडे येलो ट्रॉपिकल ट्विस्ट स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप पाइनएप्पल जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा फ्रोजन केला, आधा कप फ्रोजन पाइनएप्पल, आधा कप फ्रोजन आम, आधा टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और सब ब्लेंड कर दें। पर्पल वेरी बेरी थर्सडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप क्रैनबेरी जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा जमा हुआ केला, आधा कप फ्रोजन ब्लैकबेरीज, एक जमा हुआ प्लम, एक कप जमा ब्लूबेरीज। सब ब्लेंड कर दें। क्लीन और ग्रीन फ्राइडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा लाइम या लेमन जूस, आधा कप ग्रीक दही, एक एवोकाडो, आधा जमा हुआ ग्रीन एप्पल, आधा कप जमा हुआ कीवी, आधा जमा हुआ केला, मुट्ठी भर ग्रीन्स, यहाँ केल, पालक और पुदीना पत्ता है। अच्छे से ब्लेंड कर दें। एक बार इन सारे स्मूदीज से आधा कप निकालने पर जो भी शुगर आपके डाइट को सूट करे वैसा चूज करें, जैसे व्हाइट, ब्राउन या कोकोनट, शहद, मेपल सिरप या अगावे या फिर स्टीविया। क्योंकि स्मूदी बनाते वक्त कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं किया था और डेयरी जैसे दही यूज किया है, मैं रेकमेंड करूंगी पॉप्सिकल्स बनाने के लिए शुगर जरूर ऐड करें अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इससे आइस क्रिस्टल्स जैसे पत्थर की तरह ना फ्रीज होके स्मूथ फ्रीज होगा। यहाँ 1 टीस्पून शुगर यूज किया है। ऐसे पॉप्सिकल मोल्ड आप आसानी से कोई भी लोकल स्टोर से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीदें। अब ध्यान से इन मोल्ड्स को भरना शुरू करें। पहले 5 सबसे सिंपल हैं। एक के बाद एक इन सारे 5 स्मूदीज इंडिविजुअली स्पून से फिल कर दें। अच्छे से टैप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर बबल्स हटा सके। छठा वाला भी सिंपल है। मेरे पास ये फनल है इसीलिए यूज कर रही हूँ। अगर ना हो तो स्पून भी उसी तरह काम करेगा। एक के बाद एक इन 5 स्मूदीज का लेयर बनाना शुरू करें एक कलरफुल रेनबो इफेक्ट के लिए। इस चैनल पे आगे और ऐसे कलरफुल पॉप्सिकल्स के वीडियोस आने वाले हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। सातवें के लिए लगभग 5 टेबलस्पून कोई भी फ्लेवर का ग्रीक दही लें। मैं वनीला फ्लेवर यूज कर रही हूँ। अल्टरनेटली दही और स्मूदीज को लेयर करें। एक वेव इफेक्ट देने के लिए मैं बैम्बू स्कीवर यूज कर रही हूँ। आप जो भी किचन में अवेलेबल हो वो यूज कर रहे हैं। स्पून का हैंडल भी काम करेगा। एक्सेस को अच्छे से वाइप कर दे। लास्ट के लिए कोई भी जूस यूज कर सकते हैं, पर मैं सिंपली नींबू पानी बना रही हूँ। 1.5 टीस्पून शक्कर और नींबू के रस को 1/3 कप पानी में मिलाएं। एक्स्ट्रा कलर के लिए ये ऑरेंज और लेमन जेस्ट यूज किया और कई सारे फ्रेश फ्रूट्स या फ्रोजन भी यूज करें, कुछ पूरे तो कुछ स्लाइस्ड, डाइस्ड और चॉप। रैंडमली फ्रूट्स रखें कलरफुल बनाने के लिए और नींबू पानी से भर दें। लिड से कवर करके और टाइट कर दें।
फ्रीज करने के लिए रख दें 5 घंटे के लिए या रात भर। जल्दी से लूज करने के लिए इन मोल्स को पानी में लगभग 20 से 30 सेकंड्स के लिए या थोड़ी देर बाहर ऐसे ही रखें और लिड को ट्विस्ट कर दें आपके अपने कलरफुल फ्लेवर्ड पॉप्सिकल्स के लिए। ये एक सुपर आसान और हैसल फ्री तरीका है स्मूदीज खाने का, जो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का डेली डोज भी पूरा करेगा। आप स्मूदीज कभी भी खाएं, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन की चिंता किए। आशा है आप ये ट्राई करेंगे और उतना ही एंजॉय करेंगे जितना मैंने इसे आपके लिए बनाने में किया। ट्रस्ट मी, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। जरूर बताएं इसमें आपका फेवरेट कौन सा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा थम्स अप दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के कोई भी यमिनस ना मिस करें। आपके कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर और जानने में इंटरेस्टेड हैं तो फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक का ऑफिशियल पेज और दूसरे सोशल मीडिया पर। थैंक यू इसे देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।